चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण जो हमारा सातवा चैप्टर था उसके बाद हमने सीधा चैप्टर स्टार्ट किया था क्योंकि आप में से कई बच्चों के एग्जाम में वो चैप्टर आ रहा था ठीक है या फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने उस चैप्टर को पहले ऑलरेडी कवर कर लिया अब हम वापस आ रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर आठ यानी गुरुत्वाकर्षण पे जो बच्चे अभी तरल पढ़ना चाहते हैं फ्लूड पढ़ना चाहते हैं यात्रिको तरलों के यांत्रिकी गुण वाला जो चैप्टर है हमारा वो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्योंकि ग्रेविटेशन भी काफी छोटा सा चैप्टर है अकॉर्डिंग टू ठीक है बच्चों चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी सी पिक्चर दिख रही होगी देखते ही सब आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि भाई ये तो यार मैगी जैसे बालों वाला कोई आदमी है और ये कोई और नहीं है हमारे तो न्यूटन भैया है ठीक है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का एक छोटा सा छोटा नहीं उस टाइम तो बहुत 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 बड़ी उपलब्धि थी लोगों के लिए जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर वाला जो बल का फॉर्मूला है दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण का वो इन्होंने दिया पर ऑब्वियसली बात है ये जो फॉर्मूला हमारे जो राहुल सर हैं उन लोगों ने उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था बहुत टाइम पहले कि हमारे वैज्ञानिकों की तीन सालों की जो मेहनत है उसके बाद ही गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला निकला है ऑल ये जो गुरुत्वाकर्षण की बात है बहुत 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 प्राचीन समय से चली आ रही है और इसमें हमारे भारत के एक वैज्ञानिक जो है आर्यभट जो काफी पॉपुलर थे ठीक है बहुत बड़े गणितज्ञ थे वो भी इनमें इंक्लूडेड है ठीक है चलिए तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बहुत सुंदर सा चैप्टर है सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है यानी इस चैप्टर का फ्लो क्या है तो इस चैप्टर में कुछ लिमिटेड चीजें ही है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन जैसा कि हर चैप्टर में होता है तो इंट्रोडक्शन एक परिचय होगा छोटा सा वो देखेंगे उसके बाद कैपलर के नियम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का उसके बाद अपन आएंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पे जिसको आप सब ऑलरेडी जानते हो नाइन क्लास से पढ़कर आई गएल जी, बाद बाद जी के बारे में जिसका मान होता है छ दशमलव छत गुणा दस की घात ग्यारह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर वो हम निकालेंगे और कहा से आई वो वैल्यू एक हमारे जो केमिस्ट्री के एक छोटे से छोटे से नहीं मतलब बहुत बड़े से साइंटिस्ट हैं

ऊपर जाने पे और इस धरती से नीचे जाने पे क्या होता है आपको लास्ट चैप्टर में बता चुका हूं सिर्फ और सिर्फ दो किलोमीटर तक वैलिड है उसके बाद यह फॉर्मूला गलत हो जाता है ठीक है क्योंकि तो कहीं ना कहीं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जी के मान में परिवर्तन आ जाता है जबकि मान के चलते कि जी का मान क्या है नियत इसके बाद हम पढ़ेंगे पलायन वेग कि भाई किसी चीज को कितनी तेज फेंकू कितनी स्पीड से फेंकूं ताकि तुम्हारी जो है, जो है वस्तु है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्रॉस करके चली जाए ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे भूप ग्रह क्या होते हैं ठीक है भूप ग्रह उनका कक्षीय वेग क्या होता है और हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह ये किस तरीके से वर्क करते हैं ये सारे चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी हैं वैसे तो पर फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कैपलर के नियम काफी ज्यादा पूछे जाते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम काफी इंपॉर्टेंट है और जी का मान पृथ्वी के नीचे और ऊपर जाने से कैसे चेंज होता है पलायन वेग ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हर एग्जामिनर इनके ऊपर क्वेश्चन हंड्रेड एंड वन परसेंट बनाता है ठीक है चलिए तो आगे चल रहे हैं बच्चों हम ये है आज का हमारा गोल आप सबको पता है हमने एक नया ट्रेंड शुरू करा है ट्रेंड क्या भाई कि आप जब वीडियो देखो तो आपको पता होना चाहिए कि वीडियो के अंदर हमें एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है भाई आज के वीडियो लेक्चर में से हम बताएंगे क्या क्या तो वो सब हमने एक नया ट्रेंड स्टार्ट करा है तो आज का हमारा गोल जो है टुडेज गोल जो है वो चार टॉपिक हमें कोशिश करनी है खत्म करने की ठीक है कोशिश करेंगे खत्म हो जाए हमारे टाइम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है उसके बाद कैपुलर के नियम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और फिर गुरुत्वीय नियतांक के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था एक केमिस्ट्री के हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी तो कैसे कैलकुलेट करी वो देखना है ठीक है चलो तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम धरती से क्यों चिपके हुए हैं सारे के सारे प्लैनेट्स जो सूरज दादा के चारों तरफ गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं या हमारा चंदा मामा पृथ्वी के चारों तरफ गोल 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 घूमे जा रहा है तो वो पृथ्वी पे आके क्यों नहीं गिर जाता सर ठीक है या कई लोग बोलते हैं कि हमारे सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी समय के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है तो ये गैप कितनी बात में सच्चाई है अगर ऐसा है तो क्यों हो रहा है ये सारी बातें हमारे को इस चैप्टर में पता पड़ेगी कि एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण होता क्या है कहाँ से आया ये गुरुत्वाकर्षण ठीक है कहां, एक डायलॉग है ना कहां से आते हैं ये लोग है ना तो वैसे हम बोलेंगे कि कहां से आई ये गुरुत्वाकर्षण तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सबसे पहले इनके बारे में बताया था गुरुत्वाकर्षण को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट उनका नाम है ये रहे वो टॉलमी सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा बोला कि पृथ्वी भू केंद्रित है उन्होंने बोला कि पृथ्वी भू है भू केंद्रित होने का मतलब है कि पृथ्वी ही सबकी करता धरता है सारे प्लैनेट पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाते हैं भाई उन्होंने ऐसा बोल दिया बोले सूरज भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है मामा भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है बाकी जितने प्लेनेट है वो भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं तो लोग उस टाइम उनकी बात को मानने लगे क्योंकि उस टाइम लोगों में काफी अहम था ठीक है ना काफी बहुत एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि है ना एम का मतलब हो गया कि भाई हम ही सब कुछ हैं ठीक है ठीके? और उस टाइम लोग चर्च वगैरह की बात को ज्यादा मानते थे तो पादरी ने जो बोल दिया वो सच था ठीक है और अगर कोई उनके अगेंस्ट जाता था तो फिर उसको सीधी मौत की सजा दी जाती थी बड़े बाजार में ठीक है तो उस टाइम ऐसी खोजें करना मतलब बहुत बहुत मुश्किल था आजकल तो हर चीज की फैसिलिटी है ठीक है उस टाइम तो ये सब चीजें डिस्कवर करना मतलब बहुत मुश्किल काम होता था ठीक है तो इन्होंने जो बोला था कि पृथ्वी जो है भू केंद्रित है मतलब सारे के सारे प्लेनेट पृथ्वी के चारों रह तरफ घूम रहे ये तो बात गलत है आप सब भी जानते हो कि सारे के सारे प्लेनेट हमारी चंद जो हमारे सूरज दादा है उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं हां चन्ना मामा जरूर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं लेकिन सारे प्लैनेट नहीं घूमते ठीक है तो ये उनकी जो बात थी भू केंद्रित होने वाली वो बात थी गलत उनके बाद हमारे भारत के एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम तो आप सब जानते ही हो वो है हमारे आर्यभट्ट भाई साहब तो इन आर्यभट्ट भाई साहब ने पहली बार बताया कि नहीं ये बात तो गलत है है एक्चुअली जो हमारा सूरज है, वो बीच में केंद्रित है तो उन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो जो हमारे हमारी जो गैलेक्सी ब्रह्मांड तो नहीं बोलेंगे हमारी जो गैलेक्सी है वो सूर्य केंद्रित है मतलब सारी की सारी चीजें सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना कि पृथ्वी के चारों तरफ ठीक है तो इन्होंने अपनी एक बुक के अंदर इसको मेंशन करा कि पृथ्वी जो है हमारी जो जो हमारा आ, हमारा ब्रह्मांड है 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 ये सूर्य केंद्रित केंद्रित भू के नहीं पृथ्वी भी उस सूरज के चारों तरफ ही गोल गोल चक्कर लगाती है और इसके बारे में हमारे एक साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट का नाम था निकोलस कॉपर ये जो निकोलस कॉपर थे इन्होंने पहली बार डिटेल में इस बात को बताया कि नहीं पृथ्वी सच में जो है हमारी हमारा मतलब ब्रह्मांड

मतलब आज से एक हजार साल पुरानी बात सोचो कितनी बड़ी बात है तब से चला आ रहा गुरुत्वाकर्षण तो इन्होंने इनका सपोर्ट किया था गैलीलियो ने और गैलीलियो को इसके लिए सजा भी मिली थी क्योंकि उस टाइम लोग जो थे वो पादरियों के बारे में मतलब उनको ज्यादा सपोर्ट करते थे कि उन्होंने जो बोल दिया वही सही है तो उनको ऐसा लगा कि यार ये तो है ना हमारी जो धरती माता है ना जो हमारे पादरी जो बोल रहे हैं उनका अपमान हो रहा है ठीक है ना ये तो मतलब गलत बात बोल रहे हैं तो उनको सजा दी गई भरे बाजार के अंदर तो ये कौप, निकोलस कॉपर निकस ने इनके बारे में सबसे पहले ज्यादा डिटेल में स्टडी करी अब इसके बाद हमारे आए टाइको टाइकोब्रे टाइक्रो ब्रे ने अपने आ, मतलब पूरी जिंदगी लगा दी अलग अलग तरीके का डेटा कलेक्ट करने में अलग अलग जगह से उन्होंने अपनी खुली आंखों से बड़े बड़े स्टार्स को प्लैनेट्स को और क्या बोलते हैं दूरदर्शी का यूज करके उनको देखा और काफी सारा डेटा कलेक्ट कर लिया लेकिन वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कोई किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए कि हम पहुंचे क्या मतलब बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया हमने जैसे आज भी हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है ठीक है आपको पता है कोई वेदर रिपोर्ट आनी है तो उसके लिए भी पहले बहुत सारा डेटा जगह जगह से कलेक्ट किया जाता है उसके बेसिस हम करते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी तो आजकल तो हमारे पास ऐसे एडवांस सिस्टम है जो ये चीज खुद ब खुद ही कर लेते हैं तुम्हें मैनुअली करने की जरूरत ही नहीं होती लेकिन उस टाइम पर उन्होंने काफी सारा डेटा स्पेस के बारे में अंतरिक्ष के बारे में इकट्ठा तो कर लिया लेकिन वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए अब इनके इस डेटा की जरूरत एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को थी जिनके बारे में हम हमारे बुक में भी पढ़ने वाले हैं कैप्लर तो कैपलर इनके पास आए थे काम करने के लिए क्योंकि उनको इनके डेटा की जरूरत थी कि भाई मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच तो जाऊं लेकिन मुझे वो डेटा चाहिए ठीक है उनको वो डेटा चाहिए था तो डेटा के लिए कैपलर आए थे इन टाइको ब्रेह के पास एक्चुअली टाइको ब्रेह को एक राजा ने रखा था क्योंकि ये वो राजा नहीं होता है वो बोलते थे कि भाई कब युद्ध करना चाहिए है ना एस्ट्रोनॉमी जिसको अपन बोलते हैं ना हम वो ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष शास्त्र जो होता है हिंदुस्तान में भी खूब चलता है तो ऐसा नहीं हिंदुस्तान में चलता है बाहर भी चलता था कि कब युद्ध करना चाहिए कौन सा ग्रह भारी है कौन सा ये है वो है मतलब बहुत सारी चीजें उनके लिए रखा था तो ये जो थे हमारे कैपलर भाई साहब ये भी काफी अच्छे थे इसमें और इनको टाइको ब्रेह ने जो डेटा लिखा था उसकी काफ़ी ज़रूरत थी उसी के बेसिस पे वो किसी कॉन्क्लूजन पे पहुंच पाते तो जो कैपलर है उन्होंने अपने तीन नियम दिए जो आज भी वैलिड है तो इनकी मरने के बाद मरने तक तो इनको मतलब बहुत गरीबी में इन लोग इन्होंने जिंदगी जी ठीक है ना बहुत सुना इन लोगों ने हमारे कैपलर भाई साहब ने लेकिन जब इनकी डेथ हो गई उनके बाद इनके नियमों की जो असली जो समझा कि भाई इन्होंने जो बात बोली है वो करेक्ट है न्यूटन ने समझा और न्यूटन ने इन्हीं की कॉन्क्लूजन के बेसिस पे अपना फॉर्मूला दिया जी एम वन एम टू अपॉन आर स्किन न्यूटन छोटे छोटे पार्टिकल से लेकर के बड़े बड़े प्लैनेट्स के बीच में लगने वाले बल के बारे में इतना बड़ा फॉर्मूला देना एक छोटा सा मतलब इतनी बड़ी बात बोल के एक छोटा सा फॉर्मूला देना बहुत बड़ी बात थी तो न्यूटन की ये डिस्कवरी उस टाइम की सबसे बड़ी डिस्कवरी में मान गिनी जाती है ठीक है तो उन्होंने केपलर के ही जो इन्होंने तीन नियम दिए थे उन्हीं के बेसिस पे वो उस कंक्लूजन पे पहुंचे थे तो केपलर के नियम को हम आज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनके नियम वास्तव में आज भी हर planet के ऊपर एप्लीकेबल हैं ठीक है और आप देख लो ये कब से है 1571 से 1640 मतलब आज से बहुत टाइम पहले हिस्ट्री बाबर आया अखबार आया ये आया वो आया उस टाइम ये लोग अपनी डिस्कवरियां करने में लगे हुए थे ठीक है तो ये सारी चेन है हमारी जो हमारी एनसीआर के अकॉर्डिंग हमने फॉलो की है कि कौन पहले आया किसने क्या दिया किसने क्या बताया इसमें सबसे बड़ी डिस्कवरी जैसा मैंने आपको बताया कैपलर ने की थी आर्यभट्ट ने भी बताया था कि पृथ्वी भू केंद्रित नहीं है सूर्य केंद्रित है उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताया था निकोलस कॉपरिकस ने ठीक है उन्होंने इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताया गैलीलियो ने उनकी बात का सपोर्ट किया लेकिन उसके लिए उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी ठीक है चलिए आगे चलते हैं फिर अपन अब ऑलरेडी तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं तो अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि कैप्लर के नियम थे क्या क्या ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बहुत ही फोकस करके सुनिएगा तो कैपलर ने अपने तीन नियम दिए थे ठीक है कि पहला जो उनका नियम था वो था कि अगर कोई भी जो प्लानिट है कोई भी ग्रह है वो अगर सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वो उसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा अब मैंने आपको इलिप्स तो हमने मैंने आपको पैराबोला तो सिखा दिया लेकिन मैंने आपको इलिप्स नहीं सिखाया ठीक है इलिप्स को हिंदी में बोलते हैं दीर्घ व्रत जैसे पैराबोला को परवलय बोलते थे वैसे ही हमारे

इसके निर्देशांक होते हैं जीरो कॉमा बी इसके निर्देशांक होते हैं जीरो कॉमा माइनस बी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो गई हमारे पास टू ए और इसके बीच की जो दूरी है ये हमारे पास हो गई टू बी सेम चीज इसके अंदर है ठीक है यहाँ पर जो है हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स इस बार जो हैं वही सेम कहानी चलेगी ठीक है इसकी जो इक्वेशन बनती है हमें वैसे इससे मतलब है ज्यादा तो तो मैं हम इसी पे फोकस कर लेते हैं नीचे वाले को रब कर लेते हैं ठीक है क्योंकि नीचे वाला भी हमारे काम का नहीं है मैथ वाले बच्चे तो वैसे डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है निखिल सर आपको डिटेल में पढ़ा ही देंगे तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बस बता रहा हूँ वो सुन लेंगे अपन तो यहाँ पर हमारे पास जैसे सर्किल के अंदर एक ही सेंटर होता है तो यहाँ पर एक सेंटर नहीं होते हैं यहाँ पर दो फोकस होते हैं जिसको अंग्रेजी में फोकाई बोलते हैं फोकस हिंदी अंग्रेजी में सिंगुलर वर्ड होता है अंग्रेजी मतलब इंग्लिश तो एक सिंगुलर वर्ड को फोकस बोलते हैं और इंग्लिश में अगर इसका प्रोल बनाना होता है तो उसको फोकाई बोलते हैं ठीक है ना तो ये जो फोकाई है इसमें यहाँ पे दो फोकाई होते हैं हिंदी में फोकस ही बोलते हैं तो इसमें दो फोकस होते हैं जैसे लेंस में भी पढ़े ना तुम लोगों ने दो फोकस होते हैं तो यहाँ पे भी दो फोकस होते हैं एक फोकस ये रहा और एक फोकस ये रहा तो हमारा जो सूरज दादा है वो या तो इस फोकस पे होगा या तो इस फोकस पे होगा दोनों में से किसी एक फोकस पे हमारे सूरज दादा होंगे और जितने भी प्लैनेट हैं वो इन सब के चारों तरफ इस तरीके से दीर्घाकार पथ पे गति करेंगे ठीक है अब कॉमन सेंस लगा के सोचो कि जब हम पृथ्वी हमारे सूरज दादा से काफी दूर होंगे जब हम हमारे सूरज दादा से काफी दूर होंगे मतलब हमारा प्लैनेट तो वो काफी स्लो स्पीड से चलेगा और जब वो सूरज दादा के काफी पास में होगा उसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी इस पर ही हमारा सेकेंड लॉ बेस्ड है देखेंगे लेकिन इससे पहले इसकी एक बार देख लेते हैं कि मैंने मेहनत करके इतनी थियरी आप लोगों के लिए लिखी है तो वो क्या है ठीक है तो ये है हमारी वो थ्योरी जैसा मैंने आपको बताया था कि कक्षाओं का नियम क्या बोलता है कि जितने भी ग्रह हैं वो सब दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं और सूरज किसी इसके एक नाभिक पर होता है ठीक है इसको इंग्लिश में फोकाई हिंदी में फोकस या फिर नाभिक बोलते हैं एक ही बात है ठीक है घबराओ मत, फोकस ही बोलोगे तो भी चलेगा तो एक फोकस या फिर एक नाभि पर हमारे है। है? हो हो तो पास एनसीआरटी का डायग्राम है तो मैं अपना डायग्राम हटा देता हूँ ये हमारी एनसीआरटी ने डायग्राम दिया है वो मैंने आपको बता दिया टू ए हो गया हमारे पास कैसे वो मैंने आपको बता दिया ये 2B हो गया हमारे पास वो भी मैंने आपको बताया कैसे होता है ठीक है और ये सूरज दो में से किसी एक फोकस या नाभिक पर है या तो इस पर होगा या तो फिर इस पर होगा ठीक है और जितने भी प्लानिट हैं वो इस तरीके से इस दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि आ, जब अपन डायग्राम बनाते थे, थे बचपन में बनाया था तो हम ऐसे बनाते थे, थे ये हमारा सूरज ज्यादा है है ना और ऐसे प्लानट को घुमाते थे ऐसे 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 सात प्लानट बनाते थे ना ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके की कहानी ठीक है ऐसा बना हुआ दिखा ही होगा स्पेस के डायग्राम्स में तो वो इसलिए ऐसा बनाते हैं क्योंकि जितने भी प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथ में इसको इं, इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्टिकल ठीक है ना दीर्वृत्ता का तो इलिप्टिकल पाथ में यानी दीर्वृत्ता का पथ में गति करते हैं ये इनका पहला नियम था सबसे आसान नियम ठीक है चल प्र चलते बच्चों आगे इनका नेक्स्ट जो नियम है वो क्षेत्रफल से संबंधित है जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई जो भी प्लानिट धरती माता से हमारे सूरज दादा से ज्यादा दूर होगा वो उतना ही स्लो स्पीड से चलेगा और वो सूरज दादा के जितना पास में होगा वो उतनी ज्यादा स्पीड से चलेगा अब भाई लोगों ने बोला ऐसा क्यों भाई किस बेसिस पे बोला तुमने ऐसा क्या ला लग रहा है कि भाई मैं दूर हूं तो मेरी स्पीड कम और मैं पास हूं तो मेरी स्पीड ज्यादा तो कैप्लन ने बोला एक रीजन की वजह से होता है जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी ठीक है ना इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरियल वेलोसिटी क्षेत्रफल वेग क्षेत्रफल वेग क्या होता है क्षेत्रफल वेग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरियल वेलोसिटी एरियल वेलोसिटी एरियल वेलोसिटी होती है डी ए अपॉन डीटी डी ए अपॉन डी टी हमें बताती है कि किसी भी समय पर किसी भी दिए हुए समय पर कोई भी प्लेनेट चंद हमारे सूरज दादा के साथ कितना क्षेत्रफल आंतरित करता है जैसे हमारे केस में प्लैनेट पी P से डैश P तक जाता है तो उसने हमारे सूरज दादा के साथ जो क्षेत्रफल आंतरित करा है उस समय में उसको अपन बोलते हैं डे या तो डी डी लिख दो अगर बहुत छोटे के लिए बात है तो या फिर डेल एपॉन्डिलिटी लिख दो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर या डेल्टी समय में आंतरित किया हुआ क्षेत्रफल एक ही बात है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्योंकि समय के साथ क्षेत्रफल चेंज हो रहा है या फिर हम बोलेंगे सूर्य के साथ आंतरित क्षेत्रफल तो किसी भी प्लैनेट के लिए इस पूरे जो पाथ है पूरा का पूरा पथ है इसके लिए ये जो डी एपॉन्डिटी होता है क्षेत्रफल वेग होता है वेलोसिटी होती है सूर्य के साथ बनाया जो क्षेत्रफल होता है उसका मान नियत होता है ये कांस्टेंट होता है नियत होता है ठीक है ना पूरे के पूरे हमारे पथ के लिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये हमारा क्या होता है नियत होता है यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब देखो मान लो ये प्लेनेट दूर है अभी जब दूर है तो ऑब्वियस बात है सूरज के साथ जो क्षेत्रफल बनाएगा वो ज्यादा बना रहा होगा क्योंकि दूरी ज्यादा है और ये वाला जो प्लेनेट अगर यहां पर आ जाए ये वाला प्लेनेट यहां पे आ जाए तो अभी सूरज के ज्यादा पास है तो अब क्या करना पड़ेगा अगर मान लो इसने यहां पर हमारे पास डेल्टी समय लिया है मान लो दो घंटे तीन घंटे जो आपको लेना मान लो दो घंटे लिए तो दो घंटे में मान लो प्लेनेट यहां से पहुंच गया तो उस दो घंटे के अंदर उसने जो इतना क्षेत्रफल आंतरित किया है उतना ही क्षेत्रफल पे अगर प्लैनेट है, तो उसको दो घंटे में, उतना ही में नाम दे देता हूं, इसको ओ बोल देते हैं अच्छा इसमें एस लिखा हुआ मतलब सन तो इसमें लिखा है तो उसको एस ही बोल देते हैं बोल देते हैं इसको बी तो जो क्षेत्रफल है किसका क्षेत्रफल है त्रिभुज किसका पीपीड एस पी पी डैश एस वो किसके बराबर होगा क्षेत्रफल किसका है ए बी एस इस त्रिभुज के के बराबर होगा तो क्योंकि ये पृथ्वी हमारे सूरज ज्यादा से दूर है तो दूर है तो सेम समय में उसको कम क्षेत्रफल आंतरित करना है तो इसलिए धीरे धीरे चलेगा ताकि उतने ही समय में वो मतलब उत, उतना ही क्षेत्रफल आंतरित कर सके जितना ये कर रहा है अब यहां पे जब ए पे पहुंचा तो अब उस इसे इतने ही समय में ज्यादा तो तो दूरी है, ये आर, तो अगर आर हमारा है तो वेग कम होगा और आर अगर हमारा कम है तो वेग ज्यादा होगा ऐसा हम बोल रहे हैं यानी आर जो है वेग के व्युत्क्रमानुपाती है अगर त्रिज्या ज्यादा है सूरज ज्यादा से दूरी ज्यादा है ये केस में तो वेग कम होगा और सूर्य ज्यादा से दूरी अगर कम है तो आपका वेग ज्यादा होगा ऐसा इन्होंने बोला था ठीक है स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार तो से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल आंतरित करती है जैसा मैंने आपको बताया यह नियम इस प्रेक्षणों से प्रकट होता है कि ग्रह उस समय धीमी गति करते हुए प्रतीत होता है जब वो सूरज के सूर्य से ज्यादा दूर होता है

किसी भी प्लान के लिए एक पर्टिकुलर प्लान के लिए नियत रहती है ऐसा उन्होंने बताया ये जो हमारे पास आया ना इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू है बहुत सिंपल सी गणित है हमारा इलिप्टिकल पाथ हो गया भाई हमारा सूरज दादा येलो कलर का होता है बचपन से तो ये बनाया हमने तो सूरज दादा को येलो कलर से बना देते हैं और धरती माता हमारी बिल्लू बिल्लू धरती माता धरती माता यहाँ से यहाँ तक पहुंची है मान लो तो इसको मिला देते हैं अपन लाइन से कौन सा निकाल ले चलो ये लो, लो लेते हैं तो ये यह यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का ये क्षेत्रफल की बात चल रही है ठीक है भाई अब मान लेते हैं कि हमारी धरती माता वेग से गतिशील है तो अगर हमारी धरती माता वेग से गतिशील है तो यहाँ पर भी इसका वेग वी ही होगा यहां पर V होगा बस सेम रहेगा भले आप आप उस ये, लो, लो, तो तो पास पास तो ये धरती माता वेग से चल रही है तो डेल्टी समय में उन्होंने कितनी दूरी तय करी होगी यदि धरती माता नहीं बोल के ग्रह बोल देते यदि ग्रह वेग से गतिशील हो वेग से गतिशील हो हो तो डेल्टी समय में तय दूरी कितनी होगी ठीक है वो हमारे पास दूरी हो जाएगी v इन टू डेल्टी ठीक है भाई अगर मैं 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा हूं 10 सेकंड में कितना चलूंगा बोलोगे दो सौ सर क्यों दोनों को गुणा किया ना यहां पे भी कर रहे हैं ठीक है तो यहां पे वेग का मान मिल गया अब हमें क्या करना एक्चुअली तो मुझे वेलोसिटी निकालनी वेलोसिटी का मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन तो मुझे क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सूरज दादा से इनकी ऑन एन एवरेज दूरी है वो कितनी आर है है ना इस प्लैनेट की सूरज दादा से जो दूरी है उसका कि जो जो दूरी दूरी एवरेज है औसत जो दूरी है वो लगभग आर है तो ये जो क्षेत्रफल है इसका मान क्या आएगा इसको अगर मैं लगभग त्रिभुज मान के चलू क्योंकि बहुत पास में पॉइंट मैंने तो बहुत दूर दूर बनाया आपको समझाने के लिए लेकिन ये पॉइंट बहुत पास पास है तो ये जो क्षेत्रफल हमारे पास आएगा ना जो क्षेत्रफल आप लोगों को दिख रहा है क्षेत्रफल क्या आएगा देखो भाई आधार इंटू ऊंचाई होता ना है। ठीक है तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास डेल ए जिसको हम बोल रहे हैं वो जाएगा आर इंटू वी इंटू डेल्टी ठीक है ये आया हमारे पास अब अब ध्यान से देखेंगे अपन कि भाई यहाँ पे डेल ए बराबर हमारे पास आ गया आर इंटू वी इंटू डेल्टी तो इस डेल डेल्टी को ले जाते हैं नीचे क्योंकि मतलब डेल ए डेल डेल्टी चाहिए तो डेल ए अपॉन डेल्टी मिल गया लेकिन हमारे पास आ रहा है आर वी के इक्वल आ रहा है लेकिन है ना कोई क्वांटिटी बन नहीं रही है मजा नहीं आया तो इस क्वांटिटी को बनाने के एक छोटा सा काम अपन यहाँ पे करने वाले हैं वो है हम क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा करेंगे द्रव्यमान से ठीक है ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे किससे अच्छा एक चीज हमने और नहीं लिखी भाई त्रिभुज है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एक बट्टा दो इंटू आधार इंटू ऊंचाई तो मैं एक बट्टा तो खा गया ठीक है थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे अपन यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है सिर्फ एक बटा लगा तो लगा तो हमारे पास मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर है ना बन जाए क्यों क्योंकि आर दिख रहा है और वी उसके साथ आ रहा है तो आर वी तो कुछ नहीं होता लेकिन आर इंटू पी होता है कोणीय प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था अपन ने ठीक है तो हमारा वो कोणीय संवेक बन जाएगा तो वो बना लेते हैं अपन तो देखो यहां पर हमारे पास आ गया एम से गुणा भाग करने पर एम से गुणा भाग करने पर एम से गुणा भाग करने पर हमें क्या मिला ये हमें मिला डेल ए अपॉन डेल टी इज R टू आर वी आर इंटू वी इंटू एम अपॉन टू एम ठीक है और पे ध्यान से देखो एम बी हमारा बन गया संवेग यानी पी ठीक है ये हमारा संवेग होता है और इसके बाद पी क्या होता है हमारे पास आर इन टू पी हमारे पास होता है क्या हमारा कोणीय संवेग यानी एल ठीक है L? कुल मिला के हमारे पास आया डेल अपॉन डेल्टी किसकी कुल आया एल अपॉन टू एम तो ये जो हमारा कांस्टेंट की बात हम कर रहे थे कि जो एरियल वेलोसिटी होती है क्षेत्रफल वेग जो होता है वो एक नियतांक के इक्वल है और वो नियतांक क्या है एल बट्टा टू एम यानी कोणीय संवेग बटा दो कुणा उस प्लेनेट का हमारा द्रव्यमान ठीक है ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे निकल आया ये कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास निकल आई ठीक है ये इनका सेकेंड लॉ था कि भाई हमारा कोई भी जो प्लैनेट है कोई भी जो ग्रह है वो समान क्षेत्र समान समय में सूरज दादा के साथ समान क्षेत्रफल आंतरित करता है अगर दूर है तो वेग कम होगा पास है तो वेग ज्यादा होगा ये इनका सेकेंड लॉ था ठीक है अब चलते हैं हमारे थर्ड लॉ के ऊपर ओके ये थर्ड वाला लॉ हम अभी प्रूफ नहीं करेंगे ये थर्ड वाला लॉ हम बाद में प्रूफ करेंगे लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट बता देता हूं कि इसको करना कैसे मतलब है क्या स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्व्रत के अर्ध अर्धव्रत अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता अरे इतनी भयानक के तरफ चक्कर लगा रहा है, है ना कोई भी प्लानिट तो भाई कुछ ना कुछ समय तो लेगा ना तो एक चक्कर लगाने में उसने जितना समय लिया है उसी को अपन बोलते हैं उसका परिभ्रमण काल तो परिभ्रमण काल क्या है यहाँ पे एक चक्कर लगाने में लिया गया समय परिभ्रमण काल क्या है एक चक्कर का समय बस शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है अभी मैं आपको बताऊंगा तो लर्न हो जाएगा आपको यहीं पे तो परिभ्रमण काल क्या होता है एक चक्कर में उसने जितना समय लिया उसका अपन यहां पे बोलेंगे टी से अब इसने क्या बोला कि उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घ्रत मतलब उसने जो धीर्घ्रत बनाया है अनुरेखित का मतलब उसने जो दीर्घ बनाया है उसका अर्ध दीर्घ अक्ष देखो मैंने आप एक चीज आपको नहीं बताई वो थी इसको हम बोलते हैं दीर, दीर्घ अक्ष जो हमारा था और यह होता है हमारा लघु अक्ष है ना ये हमारा दीर्घ अक्ष होता है जो बड़ा वाला अक्ष होता है और ये जो छोटा वाला दिख रहा है ना ज्यादा बड़ा बन गया छोटा कर देते हैं इसको तो ये होता है हमारे पास लघु अक्ष ये हो गया हमारे पास दीर्घ अक्ष तो जो दीर्घ अक्ष है ये टूए है हमारा और लघु अक्ष हमारा ये वाला ठीक है तो ये जो हमारा दीर्घ अक्ष मतलब बड़ा वाला जो अक्ष है उसकी आधी वैल्यू मतलब हमें एक्चुअली सूरत से क्या लेनी है एवरेज दूरी तो हम सूरत से जो एवरेज दूरी ले रहे हैं मान लो कि सूरत से एवरेज दूरी मान ले। भाई हम जो सूरत से एवरेज दूरी ले रहे हैं वो कितनी है आर आर क्या यहां पे सूर्य से औसत दूरी ठीक है ना ये लघु अक्ष का आधा ठीक है जिसको आप ए भी बोल सकते हो तो वो जो है उसका क्यूब घन का मतलब क्या होता है उसका क्यूब और वर्ग का हाँ, वर्ग तो टी का वर्ग जो होता है वो सूर्य से दूरी के घन के यानी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आप ऐसा बोल सकते हो अगर किसी ग्रह को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में टी समय लगे और सूर्य से उसकी जो औसत दूरी है वो आर है तब जो टी स्क्वायर है वो आर क्यूब के सीधे समानुपाती होगा यानी टी का वर्ग जो होता है वो आर के घन के सीधे समानुपाती होगा आप ऐसे भी बोल सकते हो ये डेफिनेशन आपको लर्न करने की जरूरत कतई नहीं है ठीक है वर्ड्स के साथ खेलना मैटर नहीं करता है फिजिक्स में की वर्ड्स आपको ध्यान होना चाहिए की क्या है जैसे की वर्ड यहाँ पे परिभ्रमण काल उसका वर्ग करना है ठीक है ना लघु अक्ष का आधा लघु अक्ष का आधा तो ये लघु अक्ष का आधा जो होगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं उसके घन को अपन क्या बोल रहे हैं उसको उसका जो क्यूब है वो किसके डायरेक्टली के पुष्प हो जाएगा टी स्टेटमेंट है और ये हम प्रूफ करेंगे लेकिन नॉट नाउ अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे जब हम थोड़ा सा आगे और कक्षी चाल वगैरह पढ़ लेंगे ठीक है ये चीज हम पक्का से प्रूफ करेंगे लेकिन अभी नहीं ठीक है थी? चल तो अपन आगे चलते हैं हमारे कैपलर के तीन नियम खत्म हो गए हैं पहला उन्होंने ग्रह के पथ के बारे में बताई थी दूसरी बात जो उन्होंने बताई थी वो बताई थी उनके जो क्षेत्रफल वो आंतरित कर रहे हैं हमारे सूरज दादा के साथ और तीसरी बात उन्होंने उनके समय से संबंधित बताई परिभ्रमण काल से ठीक है चलो आगे चलते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने आ गई है बचपन से पढ़ते आ रहे हो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जिसके बारे में जिस कॉन्क्लूज इस कॉन्क्लूजन पे पहुंचने वाले पहले साइंटिस्ट थे न्यूटन ठीक है तो न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला कि मान लो हमारे पास कोई दो प्लानिट है ठीक है प्लानिट का द्रव्यमान क्या है एक का द्रव्यमान है एम वन और एक का द्रव्यमान है एम टू और हम मान के चल रहे हैं इसका सारा का सारा का द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर केंद्रित होगा जिसे हम उसका द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं तो मान लो इस प्लान का द्रव्यमान केंद्र यहाँ है इस प्लानिट का द्रव्यमान केंद्र यहाँ है और इनके केंद्रों के बीच की दूरी केंद्रों का मतलब क्योंकि हमने माने हैं कि प्लैनेट स्फेरिकल है ठीक है गोलाकार है तो बोल रहे हैं हम इनके केंद्र के बीच की दूरी तो अगर केंद्र के बीच की दूरी आर है तो ये प्लानिट इसको खींचेगा और ये प्लान इसको खींचेगा मतलब इस यूनिवर्स में इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ किसी ना किसी बल से खींचती है और वो जो बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल हमारे धरती पर चार तरीके के बल होते हैं उसमें सबसे वीकेस्ट और सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल है लेकिन ये सबसे लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है मतलब बहुत ही दूरी तक लग सकता है अत्यधिक दूरी तक लगने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल बहुत दुर्बल होता है लेकिन ये जो है सबसे ज्यादा दूरी तक लग सकता है मतलब यहां से हमारी धरती माता जो है वो सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके उसके अंदर है उनके इन्फ्लुएंस के अंदर है इसलिए उसके तरफ गोल गोल घूम रही है

काफी दुर्बल बल होता है पूरे यूनिवर्स का पूरे ब्रह्मांड का सबसे दुर्बल बल है पहली बात लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स होता है लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स मतलब बहुत ज्यादा दूरी तक लग सकता है तीसरी बात दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल तीसरे की वजह से इफेक्ट नहीं होता मान लो ये मेरा सेलफोन ये रिमोट अब ये दोनों मिलके एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे मैं भी, मैं भी तो इनके सामने हूं मैं भी तो एक द्रव्यमान ये भी एक द्रव्यमान है पे हूं, नहीं हूं, उससे इनको कोई लेना नहीं है एक दूसरे के ऊपर उतना ही बल लगाएंगे जितना पहले लगा रहे थे मतलब तो मैं चाहे यहाँ पे हूं या नहीं हूं उससे इसको कोई लेना नहीं है मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसी तीसरे वस्तु की प्रेजेंस यानी उपस्थिति से कभी भी प्रभावित नहीं होता ये तीन बातें आपको याद रखनी है दुर्बल बल है अत्यधिक दूरी तक लग सकता है और दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल तीसरी वस्तु की उपस्थिति से किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होता ये तीन मेन बातें हैं अब आ जाते हैं स्टेटमेंट पे वैसे तो सबने रट रखा होगा कि भाई दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे समानुपाती और उनके केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाति होता है ठीक है बचपन से रटा हुआ सेंटेंस है ये तुम लोगों के ठीक तो यहाँ पे भी लिखा है मान लो दो प्लेनेट है M1 और M2. हाँ, एक बात और एक एक बात बात मैंने आपको और नहीं बताई वो भी सुन लीजिए ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है ये कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करता है ये हमेशा दो वस्तुओं को हमेशा आकर्षित करता है तो उसका नेचर होता है चीजों को अट्रैक्ट करना आकर्षित करना ठीक है ये बात भी हमको याद रखनी है तो ये दो द्रव्यमान हो गए एम वन एम टू इनके बीच की दूरी कितनी हो गई आर हो गई भाई दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बल लगाया ठीक है इसने इसके ऊपर बल लगाया इसने भी इसके ऊपर बल लगाया तो दोनों की वजह से एक दूसरे की तरफ लगने वाला बल जो होगा अच्छा जैसे ये है भाई आकर्षण बल जो होता है ना उसको अपन फिजिक्स में ऐसे बताते हैं ऐसे ठीक है ना फिजिक्स में आकर्षण बल को ऐसे बताते हैं तो इसने इसके ऊपर जो बल लगाया है इसकी तरफ ये किस पे लगा भाई पीछे से पड़ता है ना अच्छा फ्रॉम एंड टू तो किसने लगाया दो से लगा किस पे लगा एक पे लगा फिर इस, पे इस ने लगाया। किसने लगाया भाई एक ने लगाया किस पे लगाया दो पे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एफ वन टू का मतलब क्या है यहां से पढ़ोगे ये फ्रॉम लगाया और ये टू पे लगा तो किसने लगाया दो ने लगाया किस पे लगाया एक पे लगाया बारह नहीं पढ़ना इसको एक दो पढ़ना तो एक पर दो द्वारा लगाया गया है बल ठीक है अभी हम इसका सदिश रूप नहीं देख रहे हैं इसलिए हम इसके ऊपर वेक्टर वेक्टर नहीं लगा रहे इसलिए मैं अपनी डायरेक्शन नहीं बना रहा था क्योंकि अगर मैंने बना दी तो मुझे फिर वेक्टर लगाना पड़ेगा मतलब अभी जो मैंने लिखा है ना ये गलत है मुझे इसके ऊपर वेक्टर लिखना पड़ेगा क्योंकि बल बता दी ना तो बल की दिशा मुझे बतानी पड़ेगी ठीक है तो ये जो वैक्टर वाला काम है ना इसमें भी नहीं फंसते हैं इसमें अभी सीधा सीधा नॉर्मल फॉर्मला निकाल देते हैं इसलिए मैं ना इन सबको रब कर रहा हूँ ये मैं आपको सदिश रूप में बताऊँगा जब इसका सदिश रूप लिखेंगे ना तब लिखेंगे ये सब चीजें अभी बेसिक सी बात करते हैं कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है ने पहले ने दूसरे पर जो लगाया ये दूसरे ने पहले के दोनों के के, के सीधे से होंगे। और दोनों के बीच की जो दूरी है ना उसके वर्ग के वित्क्रमानुपाति होंगे वित्क्रमानुपाति का मतलब इनवर्स तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा समीकरण एक पर दो को समीकरण एक व दो से पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है हलवा है नहीं सर परोस दो तो सर खा लेंगे हम इतना ईजी फॉर्मूला है लेकिन इसको बनाने में कितने साल लग गए लोगों की आत्मा ही जानती है जो है जिन लोगों ने बनाया है हम तो पढ़ रहे हैं आराम से नहीं तो ये कंबाइन करने में हमारे पास रिलेशन आया और हम जानते हैं जब अपन समानुपाति का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है यहाँ पे वो नियतांक है कैपिटल जी इसको हम बोलते हैं सार्वजिक गुरुत्वीय नियतांक ठीक है जिसकी वैल्यू न्यूटन नहीं निकाल पाए थे न्यूटन ने फॉर्मूला तो दे दिया और बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम तक ये क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में चाहे वो छोटी हो चाहे बहुत बड़ा प्लेनेट हो एक दूसरे पे किस बल एक दूसरे के ऊपर कौन सा बल लगा रहे हैं उसका फॉर्मुला देना बहुत बड़ी बात थी ठीक है आज भी यही तो जी हमारा क्या है यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वी नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन नीचे लिख देते हैं इसको आएगा नहीं यहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ठीक है ना ये अपने को पता होना चाहिए अब इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू निकालने वाले जो साइंटिस्ट है उनके बारे में तो अभी हम बात करेंगे लेकिन मैं आपको वैल्यू तो बता ही देता हूँ वैसे तो कई बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे सर हमें पता है छः पॉइंट छः सात गुणा दस की घात माइनस का ग्यारह इसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं है ना इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं जी का मान क्या होता है छः पॉइंट छः सात गुणा दस की घात माइनस का ग्यारह अब मात्रक और इसकी विमा के बारे में बात करते हैं देखो फॉर्मूला ईजी है ये लिखा है एफ बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर एफ यानी बल न्यूटन में मापा जाता है जी पता नहीं सर मास यानी द्रव्यमान किलोग्राम सर दूसरा द्रव्यमान किलोग्राम सर दूरी मीटर सर मीटर का स्क्वायर हो गया देखो क्या बना न्यूटन बराबर जी kg का वर्ग अपॉन मीटर स्क्वायर जी का मात्रक आया, ये कहाया यहां पे, और ये भाई साहब जो गुणा में है वो कहा जाएंगे भाग में तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर आप सब जानते हैं उसको क्या लिख सकते हैं हमने पहले भी लिखा ही है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के घात माइनस का 2 ठीक है इसको थोड़ा साइड में रख कर देते हैं सीढ़ियां बना दी मैंने छोटी-छोटी स्टेप्स बना दी तो ये सब इसकी बात जो थी वो मात्रक निकाल की थी ठीक है मेन चीज यही हमारे पास तो आई होप ये बात आप सबको समझ आ गई होगी यहां इसकी विमा भी निकाल देते हैं तो देखो मुश्किल नहीं विमा निकालना न्यूटन मतलब m1 l1 t 2 फिर ये हमारे पास कितना आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है एल टू नहीं मीटर आ रहा है तो एल टू और के जी का स्क्वायर मतलब मीटर की पावर दो मतलब सॉरी एम की पावर दो तो यहां पे देखो एम के ऊपर घात कितनी है एक इसका भाई कौन है ये रहा नीचे तो एक माइनस दो क्योंकि ऊपर जाके हो जाएगा माइनस तो एम के ऊपर पावर आ गई माइनस का एक एल का भाई एल थ्री और टी का कोई भाई नहीं बेचारा अकेला बैठा है. रो रहा है कोई भाई नहीं मिला उसको ठीक है तो अकेला ही जिंदगी गुजारेगा अपनी तो ये हमारे पास g का मान आ गया जो g की विमा थी वो आ गया m माइनस वन एल थ्री और t माइनस टू लेकिन हमारे न्यूटन भाई साहब इस g की वैल्यू को निकाल नहीं पाए थे मैं आपको पहले ही बता दूँ ठीक है आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी चलो अपन आगे चलते थोड़ा तो अब इसका देख लेते बेटा सदिश रूप क्या होता है तो हम देखने वाले हैं सदिश रूप देखो सदी रूप में ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है लेकिन अगर ये आपको ये आ गया ना तो जंग जीत लोगे तुम लोग अच्छा एक चीज मैं अभी पहले और बता दे रहा फिर अपन आएंगे सदिश रूप के ऊपर ये जो मैंने आपको बोला ना नियम की पालना करता है व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम बहुत सारे लॉस ऐसे हैं नियम ऐसे हैं जो व्युतक्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल ये सब बल हैं स्थिर वैद्युत की आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे वो गुरुत्वाकर्षण का भाई ये बता तुम लोगों को अब ये पढ़ लोगे ना उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है तो व्युतक्रम वर्ग नियम क्या है कोई भी चीज दूरी के वर्ग के अनुपात होती है और मैंने आपको एक बात बताई है जहां ऐसी कहानी बन जाए वहां ग्राफ हमेशा आयताकार अति पर वाले बनता है मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूं अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो ग्राफ आयताकार अति पर वाले बनता है इस का नाम क्या है आयताकार अतिपरवल ठीक है ये शेप का नाम है तो ये जो है ना आ, ये तो चलो एक बात हो गई दूसरी बात हमने एक बात और बोली थी अगर मैं दो अलग अलग बलों के बारे में बात कर रहा हूं और मुझे उनके बीच की दूरी को बढ़ा रहा हूं घटा रहा हूं कम कर रहा हूं ज्यादा कर रहा हूं तो कैसे चेंज होगा बल इसकी दूरी आएगी ऊपर और इसकी दूरी आएगी नीचे ये मान लो तुम्हारे पास एग्जाम में आया कि भाई दो वस्तुओं थी उनके मध्य की दूरी को डबल कर दिया बोले बल कितना हो जाएगा मैंने बोला बल पहले के कंपेरिजन में एक बटा चार गुना हो जाएगा मेरे को कैसे पता यदि दूरी दुगनी कर दू। दुगनी कर कर तो क्या होगा जैसे दे रहा हूं ध्यान से देखना पहले बल क्या था एफ बल है ना मुझे नया बल नहीं पता पहले दूरी कितनी थी मुझे वो भी नहीं पता तो भी ना जानूँ मैं तो उसको आर ही मान लेता हूँ नई दूरी पुरानी दूरी का डबल है मुझे बस इतना पता है चलो टू आर का स्क्वायर कर देते हैं तो एफ वन अपॉन एफ टू जो है वो देखो कितना है हमारे पास दो का वर्ग कार्या चार आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर आर से आर कैंसिल जिन बच्चों को नहीं आया वापस देखेंगे पहले वाली दूरी मुझे नहीं पता थी तो मैंने मान लिया उनके बीच की दूरी कितनी थी आर भाई ये दो प्लानट एम वन एम टू दूरी कितनी केंद्र की आर खींच के दूर ले गया कितनी दूरी कर दी मैंने टू आर ठीक है ना मुझे तो उसने बस इतना बोला दूरी डबल करिए तो की। की मीटर मान लो अभी की दो मीटर मान लो ऐसा कर लो तो झंझट ही खत्म मैं तो कहता ऐसे कर लो ठीक है तो देखो हमारे पास एफ टू का मान चाहिए ना हमें तो देखो एफ टू का मान क्या हो गया इधर क्या इधर गया एफ टू एफ वन का एक बट्टा चार हो गया यानी नया बल पुराने बल का एक बटा चार गुना मान लो पहले चालीस न्यूटन लग रहा था अभी दस न्यूटन लग जाएगा पहले दस न्यूटन लग रहा था अभी ढाई न्यूटन लग जाएगा जो भी वैल्यू दे रखी है वो अपन यहाँ पे डाल लेंगे तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है ठीक है चलिए अब चलते हैं अपन आगे इसके सदिश रूप पे जिस पे में जिसपे हम देखो मेन चलना था तो देखते हैं इसका सदिश रूप देखो वैसे तो सदिश रूप इतना काम का नहीं होता पर है ना जानना बहुत जरूरी है अगर हमें वेक्टर अच्छे से आता है ना सदिश रूप में कभी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ देखो सदिश रूप क्या है कुछ इस तरीके से मान लेते हैं देखो ये पहली वस्तु थी ये दूसरी वस्तु है है ना थोड़ा क्लियर दिख जाएगा और तो कुछ नहीं ये पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु ये एम वन ये एम टू ये आर वन वैक्टर ये आर टू वैक्टर ठीक है बीच की दूरी यह हमारे पास आर दूरी की बात कर रहा हूं तो वेक्टर दूसरे पे लगा पहले की वजह से एफ टू वन वैक्टर एक चीज ध्यान रखनी फिजिक्स में अगर दो चीजें आकर्षित कर रही है तो ऐसे प्रतिकर्षित कर रही है तो ऐसे आकर्षित कर रही है ऐसे प्रतिकर्षित कर रही है तो ऐसे ये फिजिक्स रूल होता है ठीक है क्योंकि पे आकर्षण पढ़ना है हाँ लेकिन ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे तो दोनों आएगा इलेक्ट्रोस्टेटिक स्थिर वैद्युत की पढ़ेंगे तो दोनों चीजें आएंगी इसलिए वहां के लिए मैं आपको बता देता हूं आकर्षण में ऐसे होता है और प्रतिकर्षण में ऐसे जाता है दूर चले जाते हैं अब अगर मैं तो अगर एफ वन टू वैक्टर निकालू बेटा तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा जी एम एन एम टू अपॉन आर स्कवाई किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है एक उसका परिमाण और एक उसके उसी की दिशा में एक हमारा एकांक ये आप सबको पता है चैप्टर नंबर फोर की कहानी कोई भी वेक्टर लिखने के लिए दो चीजें चाहिए इसका परिमाण और एक उसका जो एकांक है वो जैसे मैं लिखता हूं ना टू आई कैप तो टू क्या है परिमाण और आई कैप क्या है एकांक सदिश टू आई कैप हो गया ठीक है जो टू आई कैप है इसके अंदर सेम चीज वहां पर ही है यहां पर हमें परिमाण तो मिल गया अब बल की दिशा कहां है यहां यहां पे हम एकांक सदिश मान लेते हैं आर वन टू क्या माना है है ना यहां पे जो एकांक सदिश है उसको क्या मान लिया आर वन टू क्या इसी तरीके से अगर मैं एफ टू वन फोर्स के बारे में बात करूं इन दोनों इसने भी इतना ही बल लगाया है देख लो लेकिन जो एफ वन टू बल है ना वो यहां लग रहा है तो इसके लिए एक, एक और एकांक सदिश मानेंगे वो पास आर टू मैं आर क्यों मान रहा हूं क्योंकि तो ये इन दोनों को मिलाने वाली

ठीक है परिमाण समान है दोनों का मैं अगर दोनों का परिमाण निकालूंगा ना ऐसे निकालते ना परिमाण मोड लगा देते हैं तो परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या विपरीत परिमाण समान दिशा विपरीत दिशा विपरीत ठीक है ये बात है परिमाण समान और दिशा विपरीत ये वाली कहानी हमें यहाँ से मिल गई ठीक है बस ये है गुरुत्वाकर्षण के सदिश रूप में ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ नहीं करा फर्जी एकांश मान लिया इसमें मान लिया और बस दिख रहा है साफ साफ दोनों विपरीत है तो बस दोनों नेगेटिव के इक्वल वाल है तो बल भी एक दूसरे के ऋणात्मक के बराबर होंगे ठीक है आई होप सबको समझ आ गया होगा चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक आज हमारा जी का मान निकला कैसे तो किसने निकाला इसका मान जी का मान निकालने वाले देखो लिखा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में प्रयुक्त गुरुत्वीय जीता जी का मान निकालने के लिए प्रायोगिक आधार पर ज्ञात किया जा सकता है और इस प्रकार के प्रयोग को सर्वप्रथम हेनरी हैनरी नाम आप लोगों ने जरूर केमिस्ट्री में सुना होगा हेनरी भाई साहब के बहुत सारे लॉश ऑफ पड़े होंगे तो ये हेनरी जो भाई साहब थे इन्होंने अपने लैब में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सेवनटीन में और उसके बाद उन्होंने क्या करा जी की वैल्यू निकाली अब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो नहीं कर सकता लेकिन आपको फील करा सकता हूँ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या था देखो उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे पास एक मान लो एक रस्सी है ठीक है एक रस्सी ले ली उन्होंने उस पर एक रॉड लगाई ऐसे आप देखो समझो बहुत ईजी है कि भाई एक रस्सी है रस्सी भी क्या एक रॉड लगा देते हैं तो ये रॉड को अलग कलर से बना देते हैं ठीक है तो ये हमारे रॉड बना दी और इस रॉड के दोनों कोनों पे यहां पर और यहाँ पर दोनों कोनों पर हमने तो द्रव्यमान लगा ली बहुत छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे से एम वन और एम टू समझ गए आप लोग रस्सी रॉड अटकी हुई है रॉड के दोनों तरफ दो बॉल्स हैं छोटी छोटी सी ठीक है अब क्या होगा अब हमने यहाँ पे क्या करा दो और बड़ी बड़ी बॉल ली ध्यान से सुनना दो और बड़ी बड़ी बॉल ली हमने यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी बॉल और ये एक और बहुत बड़ी बॉल मतलब आपकी रॉड रॉड पे दो बॉलें हैं एक दरमान यहां पर है एक दरमान यहां पर है अब क्या होगा ये छोटी बॉल बड़ी बॉल की तरफ आकर्षित होगी और ये वाली छोटी बॉल बॉल भी बड़ी की आकर्षित आकर्षित तरफ होगी तो जब ये इसकी तरफ आकर्षित होगी और ये इसकी तरफ आकर्षित होगी तो ये इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगा समझ रहा है मेरी बात इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगा ओके बच्चों तो जुगाड़ से मैंने एक चीज बना ली आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए तो देखो ये हमारे पास एक रस्सी और रस्सी पे मान लो इस तरीके से मैंने एक नाइफ मुझे और कुछ मैंने नाइफ जो है इसके ऊपर एडजस्ट कर लिया है ठीक है ताकि मैं बस आपको इस एक्सपेरिमेंट का डेमोस्ट्रेशन समझा सकूँ एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं लेकिन आप फील तो आना चाहिए ना यार तो जैसे मान लो इस तरीके की रॉड है और इस तरीके से रस्सी से लटकाया गया सीधा नहीं हुआ अभी भी, भी। बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है मेरे को इसका द्रव्यमान के अंदर कहाँ गया हम्म अब ठीक है तो दिख रहा होगा आपको अभी इस तरीके से नाइफ जो है सीधा लगा हुआ है एक बॉल उन्होंने यहाँ लगाई एक बॉल उन्होंने यहाँ पे लगाई और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बॉल रखी और यहाँ पे भी एक बड़ी बहुत बड़ी बॉल रखी अब होगा क्या जैसे मैंने आपको बताया

रिस्टोरेशन आया जैसे स्प्रिंग में होता और ये घूमती रहेगी घूमती रहेगी रह रहेगी और ये तब तक घूमती रहेगी जब तक ये रुक नहीं जाती तो एक तरीके से क्या हुआ इसने इसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया यानी इस एक बलागुण उत्पन्न कर दिया और इस बलागुण की वजह से घूमने लग गई ठीक है किसी ना किसी कौन से घूम गई और इस बलागुण के साथ साथ जब एक बार घूम गई ना तो पूरा घूमने के बाद वापस घूमने लग गई और कब तक नहीं रुक रही है जब तक इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है ना जो बलागुण उत्पन्न हुआ है जब तक खत्म नहीं हो जाता ठीक है इनर्शिया की वजह से घूम रही है बार बार तो उन्होंने यही चीज बोली कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है क्या उत्पन्न कर रहा है इसमें उत्पन्न कर रहा है भाई पे हमारे पास का मान क्या होता है बलागुण का मान हमारे पास होता है बल और घुंड नक्शे दूरी अब दो कणों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर और जो घूर्णन घुंड नक्ष दूरी है उसको मान लेते हैं भाई रॉड की लेंथ कितनी है एल ठीक है यहां से तक की दूरी ये इसका घूर्णन अक्ष है तो ये दूरी हो हमारे पास एल तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो बला घूर्ण वो क्या हो जाएगा बला घूर्ण हमारे पास हो जाएगा एफ इन टू आर तो एफ का मान हमारे पास हो गया जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर घुंडा दूरी कितनी है इसकी एल और ये बलागुण किसके इक्वल है इस बलागुण की वजह से क्या हुआ इस बलागुण की वजह से गोल घूमा मतलब इसमें कुछ बलागुण उत्पन्न हुआ और साथ में इसके कुछ ना कुछ ने कौन बनाया इस कौन का अपन अपन बोलते है, एथन कौन। इस कौन का बोलते हैं हैं इस का ठीक है जब, न, जब ये आपको दिखा ना जब ये घूमी ना भाई पूरा घूमने के बाद जब वस्तु तो पूरी घूम गई तो वापस अपने आप रोटेट कर रही है तो जब वो वो रोटेट मतलब घूम के फिर वापस रोटेट कर रही है ना उस टाइम पे उसने जितना कॉर्ड बनाया था इसके घूमने की वजह से वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वो उन्होंने बोला थीटा है तो वो अगर थीटा है और जो इसके अंदर बलागुण उत्पन्न हुआ अगर वो टाउ है तो हम इस रिलेशन का यूज करके क्योंकि हमें एम पता है कैपिटल एम पता है आर पता है थीटा भी उनको पता पड़ गया था एल उनको पता पड़ गया था टाउ उनको पता था सब उनको पता था क्या नहीं पता था सिर्फ जी तो इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके उन्होंने जी का मान निकाला जो आज हम सबको पता है और उस टाइम

इस क्लास के लिए थैंक यू अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है लाइक जरूर ठोक देना और एक ही बार थोकना, बार बार मत ठोकना नहीं तो वो लाइक हट जाएगा ठीक है और साथ के साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना अपने जितने भी अपने फ्रेंड्स है अपने क्लास के बच्चे जितने भी हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ईजी फ्री ए, जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन है वो पहुंच सके अगर चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है चलिए मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इस क्लास के लिए थैंक यू बाय बाय टू ऑल ऑफ यू